तो दोस्तों आज बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी F23 5G एंड सैमसंग गैलेक्सी F13 के स्पीड टेस्ट कंपैरिजन की, यानी कि इन दोनों ही डिवाइसेस के हार्डवेयर को करते हैं आपस में कंपेयर। हालांकि दोनों ही डिवाइसेस के हार्डवेयर का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि F23 का हार्डवेयर F13 के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा बेहतर है। F23 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 750G प्रोसेसर, वहीं गैलेक्सी F13 में आपको मिलता है एक्जिनोस का 850 प्रोसेसर। तो नो डाउट यहाँ पर F23 ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन कितना पावरफुल है, गेमिंग में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, कॉमन यूज़ में कोई डिफरेंस है या नहीं है, यही डिस्कशन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इस टेस्ट के लिए दोनों ही डिवाइसेस पर रन करके देखते हैं N22 बेंचमार्क का एप्लीकेशन। तो टेस्ट हो चुका है, डन, स्कोर्स हैं आपकी आंखों के सामने। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर टोटल की बात करें तो F23 का टोटल है 303290, वहीं F13 का है 133685, यानी कि दोनों ही डिवाइसेस का यहाँ कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता। F23 यहाँ पर पूरी तरह से F13 से बेहतर है। अब जरा इंडिविजुअली देखते हैं CPU, GPU और मेमोरी स्कोर्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं CPU स्कोर्स की, यानी कि कॉमन यूज़ में F23 और F13 में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो CPU स्कोर्स के लिए F23 का स्कोर है 94782, वहीं F13 का है 36509। परफॉर्मेंस की बात करें तो यह है एक वीडियो जो दोनों ही डिवाइसेस के UI वाले पार्ट में रिकॉर्ड किया गया है। अब दोनों ही डिवाइसेस पर यहाँ स्क्रोलिंग वगैरह आप देख सकते हो। F23 पर जहाँ आपको सुपर स्मूथ स्क्रोलिंग देखने को मिलती है, कोई लैग देखने को नहीं मिलता, वहीं F13 में आपको फ्रेम ड्रॉप भी देखने को मिलता है। हालांकि F23 में आपको 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिलता है, इसीलिए और भी ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस आपको F23 पर देखने को मिल जाती है। ये एक और वीडियो है 4K का जो कि UI वाले पार्ट में ही रिकॉर्ड किया गया है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो F23 पर वीडियो ज़्यादा स्मूथ तरीके से रन होता है एज़ कम्पेयर टू F13। कुछ एप्लीकेशंस भी मैंने यहाँ दोनों ही डिवाइसेस पर ओपन करके देखे हैं और ज़्यादातर कंडीशन में F23 बेहतर परफॉर्मेंस देता है F13 के कंपैरिजन में। F23 पर N22 बेंचमार्क का ये एप्लीकेशन का टेस्ट भी पहले फिनिश हुआ था, रीस्टार्ट वगैरह करके देखने पर भी F23 बेहतर परफॉर्मेंस देता है, यानी कि कॉमन यूज़ के लिए यहाँ पर पूरी तरह से F23 F13 से बेहतर है। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के GPU स्कोर्स की, यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो गेमिंग की बात करें तो यहाँ पर F23 का स्कोर है 75066, F13 का स्कोर है 25212, यहाँ भी F23 पूरी तरह से F13 को बीट करता है। अगर GPU की बात करें तो F23 में आपको मिलता है Adreno 619 GPU, F13 में आपको मिलता है Mali-G 52 GPU। परफॉर्मेंस की बात करें तो यह एक वीडियो जो दोनों ही डिवाइसेस की GPU वाले पार्ट में रिकॉर्ड किया गया है, और यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि F23 पर जहाँ आपको मिलती है एकदम सुपर स्मूथ परफॉर्मेंस, वहीं F13 पर बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिलता है। आप इस वीडियो को एक मीडियम ग्राफिक्स का गेम मान सकते हो, यानी कि F13 पर अगर आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम भी प्ले करते हो तो वहाँ पर आपको लैग और फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल सकते हैं, जबकि सेम कंडीशन में F23 पर आपको मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको गेमिंग के लिए कोई डिवाइस चाहिए तो उस कंडीशन में F23 नो डाउट एक बेहतर ऑप्शन है F13 के कंपैरिजन में। मेमोरी स्कोर्स की बात करें, यानी कि रैम एंड रोम स्कोर्स की, तो यहाँ भी F23 बहुत ज़्यादा बेहतर है। टोटल की बात करें मेमोरी स्कोर्स की तो 60715 है F23 का स्कोर, F13 का स्कोर है 36944। हालांकि मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की बात करें तो F13 की भी काफ़ी बेहतर है, यहाँ पर भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कंपैरिजन करते हैं तो उस कंडीशन में F23 बेहतर है। ओवरऑल हार्डवेयर के मामले में F23 और F13 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। बात केवल 4G और 5G के स्पीड की नहीं है, गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ तक कि कॉमन यूज़ में भी F23 बहुत ज़्यादा बेहतर है F13 के कंपैरिजन में। तो यही था मेरा F23 और F13 के बीच एक स्पीड टेस्ट N22 बेंचमार्क का टेस्ट। मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।